हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जिन दोस्तों ने रेलवे एनटीपीसी से फॉर्म अप्लाई किया है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आज का ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में इलाहाबाद जोन से 5/12/2010 में जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट कराया गया था आरआरबी की तरफ से, उसी पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के कुल 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरे वीडियो में रीजनिंग और तीसरे वीडियो में मैथ सॉल्व करेंगे। तो इन 40 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, और आप अपनी तैयारी परख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इन 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप अपनी तैयारी परख सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? आपके ऑप्शन है बक्सर, हट, काबुल, झेलम। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शन है धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत, चरक। किन्हें कहा जाता है? धनवत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है? आपके ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। तो कामरूप, ये जो नाम है ये असम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? अजंता, कुतुब मीनार, ताजमहल, खुजराहो। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अजंता। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने का कारण है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, डी है पृथ्वी की असमान ऊष्मा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में आपेक्षिक आर्द्रता ना मापने का उपकरण है? हाइग्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ, बैरोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है? विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसूनी, टुंड्रा। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के सेल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, आग्नेय, रूपांतरित, अपशादी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपशादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? आपके ऑप्शन है सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन पद का शपथ दिलाता है? आपके ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन में अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग कब कर सकता है? जब वह चाहे या जब सदन की इच्छा हो। सी है केवल समान मत होने की स्थिति में, अपने दल के निर्देश पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल समान मत होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 356, संविधान का अनुच्छेद 370, संविधान का अनुच्छेद 356 या तथा 370, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है? आपके ऑप्शन है मतदान के 1 दिन पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटा पूर्व, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व। तो
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतदान प्रारंभ होने के 36 घंटे पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोटों पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, सचिव वित्त मंत्रालय का, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का। तो किसके होते हैं? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला क्वेश्चन, क्रॉस चेक वह होता है जिसे भुनाया जा सकता है केवल, आपके ऑप्शन है अदाकर्ता द्वारा, बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक में, किसी दूसरे व्यक्ति को हस्ताक्षरित करने के बाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अदाकर्ता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक किसानों को दीर्घ अवधि का ऋण देता है? नाबार्ड, भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन, किसी देश के रहन सहन का स्तर का पता होता है उसकी, आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, निर्धनता अनुपात द्वारा, बेरोजगारी दर द्वारा। किसके द्वारा? वी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924 से 25 में, 1941 से 42 में, 1947 से 48 में, 1950 से 51 में। तो कब किया गया था? 1924 से 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी 5000 से 3500 ईस्वी पूर्व के दौरान, 3000 1500 ईस्वी पूर्व के दौरान, 2500 से 1750 ईस्वी के दौरान, 1500 से 500 ईस्वी के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2500 से 1750 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व तो कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। तो कौन सा है? वी, अग्नि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे पवन के, शाश्वता के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो किसके थे? वर्षा एवं वज्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का तात्पर्य है ईश्वर से परे कुछ भी, मृत्यु के उपरांत आत्मा, प्रबंध, मोक्ष का अंतिम पथ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है कि निम्न का सही मिलान कीजिए, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब अकबर किशोर था उसका अभिभावक कौन था? हेमू, फैजी, अबुल फलज, बैरम खां। कौन था? बैरम खां। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को घूर्ण तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुक्र। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? बुध एवं शुक्र, शुक्र एवं मंगल, बुध एवं मंगल, शुक्र एवं नियुपलुच। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर सबसे बड़ा व्रत किसका खींचा जा सकता है? विषुव व्रत, कर्क रेखा, उत्तर ध्रुवी व्रत, मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विषुव व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन। तो कौन सी है? डी, कृष्णा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? पंजाब, केरल, मेघालय, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान से भारतीय नियम कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिली? आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्न से कौन सा उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, नौवीं अनुसूची, नीति निर्देशक तत्व, तो संविधान की प्रस्तावना। तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत, भारत अर्थात इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। तो क्या है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है लॉर्ड मेयो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई लॉर्ड मटाउन द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग है एक मंत्रालय, सरकारी विभाग, सलाहकार निकाय, स्वायत्त निगम। तो क्या है? सलाहकार निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में योजना अवकाश हुआ है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1966 के सुखाड़ के बाद, 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। कब हुआ था? वी 1966 के सुखाड़ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में बचत का सबसे अच्छा साधन है मुद्रा, सरकारी बांड्स, इक्विटी, बैंकों में सावधि जमा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्विटी।